गाइस दिस इज यश, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में एक अपना प्यारा सा GoPro 9 अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी लोगों की मेरे पास डिमांड आती है कि यश भाई अपनी वीडियो में थोड़ी क्वालिटी लाओ, क्योंकि मैं सोचा एक वीडियो में क्वालिटी ला जाए। और GoPro से अगर कोई एक्शन कैमरा लेना चाह रहा है, GoPro के अलावा कोई भी एक्शन कैमरा ऐसा नहीं है जो कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देगा। सो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देखेंगे इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो चलो जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गाइस सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे GoPro की लगी है वो है इसका एक ये प्यारा सा बॉक्स, क्योंकि जो पिछले रहे हैं 8 रहा है GoPro, उसमें क्या है प्रॉपर हमने प्लास्टिक का दिया गया है। सो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट लाई है GoPro 9। और इसको खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, इसको चलो अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो बैटरी है और एक ये हेलमेट माउंट, या इसको कहीं भी चिपका सकते हैं आप लोग, देख सकते हो ये। उसके बाद आपको मिलेगी एक टाइप सी डाटा केबल जो कि आपके GoPro को चार्ज करने के लिए मिलेगी, एंड उसके बाद एक स्क्रू है एंड एक माउंट फिर से जिसको आप अपने GoPro पर लगाएंगे। सो ये चीज़ें आपको मिलने वाले सिर्फ GoPro में। उसके बाद अगर हम बात करें छोटी चीज़ों का, सो ये देख सकते हो ऐसे कुछ बुक्स हैं जो कि नॉर्मली आजकल हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो वेस्ट है हमारे लिए, और ये कुछ GoPro के स्टिकर्स हैं। एंड आफ्टर दैट हम निकाल लेते हैं अपना प्यारा सा GoPro और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी, देख सकते हो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा GoPro ने इस बार, क्वालिटी देख सकते हो। और इसकी वज़न भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू GoPro, क्योंकि जो GoPro 8 है उसमें 8 में दिया गया थोड़ा छोटा है डिस्प्ले भी, और 8 थोड़ा छोटा पड़ेगा। उसके बाद जो GoPro की 9 की है उसमें बैटरी 30% एक्स्ट्रा दी गई है, बट इसकी जो मेन है जो GoPro जाना जा रहा है इसको 9 को 10 को, 9 में देख सकते हो आप फ्रंट में डिस्प्ले है, जिससे कि आप मोटो व्लॉगर हैं अगर आप तो आप फ्रंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। सो चलो इसको पहले इसको हटा लेते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड एक की रहा हमारा। सो देख सकते हो अभी इसके नीचे देखो तो ये दिए गए क्लिप इसकी जो कि इसमें फ्लेक्सिबल है, और सबसे अच्छी चीज़ एक दी गई है GoPro में कि इसका जो लेंस है वो रिमूवेबल है, यानी कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पिछले जो GoPro था उसमें रिमूव नहीं था, बट इसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। और एक इधर देखो माइक है, एक माइक इधर है, एक इधर है, आपको मिल जाएगा, और दो तीन नीचे मिलेंगे आप लोगों को। ये पावर ऑन बटन है और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब इसमें दिया गया है मोटा की, ताकि अगर हम रात को शूट करें तो पता लग जाए। उसके बाद चलो सारी चीज़ आपने देख ली, अब इसको ऑन कर लेते हैं। इसको देखो अगर GoPro कोई भी खोलो 9 लो तो इसको कुछ इस तरह से खुलेगा ये, इसको ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा पुश करना है, पुश करने बाद ये देख सकते हो तो इसमें एक इधर टाइप सी चार्जर है, ये रहा, इधर आप लोगों को मेमोरी कार्ड लग जाएगा इधर, ये मैंने जो कि ऑलरेडी लगा रखा है। उसके बाद हमें अपनी बैटरी निकालनी है, सो चलो बैटरी लगा लेते हैं इसमें, और बैटरी कुछ इस तरह से लगेगी। ऑलराइट डन। सो देखो ये हमारा GoPro हो चुका है ऑन, ये रहा। ऑलराइट क्विक ऐप, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, आपको क्विक ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपका कैमरा चलेगा। सो चलो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस फाइनली मैंने इसकी सेटिंग कर लिया काफ़ी सारी, जो कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब GoPro यूज़ करोगे तो पहली चीज़ में आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि क्विक ऐप है। उसको डाउनलोड करने के बाद इसकी कुछ सामने सेटिंग देख लेते हैं। सो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 पे, ठीक है, 4K 60 पे मैं एक बार चेक करने वाला हूँ। और ये देखो इसकी जो फ्रंट डिस्प्ले है, ये देखो ये मैंने इसको डिस्प्ले एक्चुअल स्क्रीन पर रखा है इसका, और कुछ अगर हम लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से व्लॉग शूट करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मोटो व्लॉगिंग के लिए। एंड इस तरह से अगर कैफे यूज़ करने वाले हम लोग, तो अगर कोई मोटो व्लॉगर है तो उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे GoPro में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर बात करें इसकी बॉडी की तो देखो 30% बैटरी बढ़ा दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू GoPro 8, ठीक है। और इसकी जो लेंस है वो मैं पहले बता चुका हूँ, रिमूवेबल है। बाकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग देखो, अगर आपको हाइपर स्मूथ करना है, हाइपर स्मूथ है इसमें, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटिंग को बिठा सकते हो, उसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं।
अगर आप लोग सेटिंग की बात करें, यहाँ से हम ऑन करते हैं। सो देखो, स्टैंडर्ड है, 180p है, स्लोमो है, ये मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें लगा रखी हैं। 5K रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली हम बात करें सुपर व्यू की, सो मैं इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड अब ये जो हमारा हो चुका है वो हाइपर स्मूथ हो चुका है। अगर मैं अब इससे रिकॉर्डिंग करने की देखूँ तो चलो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेता कैसी आती है, और मैं इसको फ्रंट से करूँगा स्टार्ट। तो जब मैं स्टार्ट करेंगे, सो देखो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद ये लाल बत्ती आ जाएगी, जिससे कि अगर हम मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें पता लग जाए कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलो इसको थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी आती है। सो कुछ इस तरह से अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखो व्यू, आपको बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है इसमें। और इसकी अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो देखो इसकी अभी आप। हे गाइस, दिस इज यश, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो देखो गाइस, इसकी जो वीडियो है, अगर हम लोग सन को फेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है, और हम सन के अगर अपोजिट चले जाते हैं तो भी देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है अकॉर्डिंग टू अदर कैमराज। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे GoPro की। तो गाइस, अभी मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ 2.7K पे और 60fps पे। तो इस पर कंट्रोल करके अब मैं इसकी ना स्टेबलाइजेशन चेक करने वाला है कि इसका वाकई में स्टेबिलिटी है, ताकि वीडियो को सही रखे। तो चलो इसका एक शॉट लेते हैं एंड एज यू नो फ्रंट पे ही लूँगा अपने में, और भाग के देखता हूँ कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी आती है। तो चलो अगली वीडियो इसके साइड से आएगी। सो देख सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अभी ये अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सो गाइस अभी हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है अकॉर्डिंग टू माई फ़ोन एंड माई ऑल्सो अनदर कैमरा। सो अभी मैंने GoPro का मेन रीज़न ये था परचेस करने का, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस आता है, अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं किसी क्राउड एरिया में कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ना ऑकवर्ड लगता है एज ए बिगनर। सो अभी क्या कर सकते हैं, जो बिगनर यूट्यूबर्स हैं वो लोग GoPro 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 9 का एडवांटेज ये है कि ये एक तो 30% बैटरी इसकी ज़्यादा है, एंड सेकेंड चीज़ इसमें एज यू नो फ्रंट स्क्रीन है। तो कभी अगर कर रहे हो आप लोग कभी भीड़ भाड़ में, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। अगर आप लोग बड़ा सा कैमरा ले रहे हो उसमें थोड़ा अजीब लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस। सो एज यू नो इसकी हमने अभी स्टेबिलिटी चेक करी, अगर आप मोटो ब्लॉगर हो आप अपने हेलमेट पे लगा के चल सकते हो। सो GoPro की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कि एक तो इसका लेंस रिमूवेबल है, एंड सेकेंड चीज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यू ले रहे हैं, जैसे आपके कहीं आप कोई किसी हिल पे हैं वहाँ पर आप लोग 5K रिकॉर्ड करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, बट उसको एडिट करने के लिए आपको अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत होगी। अगर आप नॉर्मल अपने PC से कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड आपकी एडिट नहीं कर पाएगा 5K तक, बट अगर आप किसी अच्छे लैपटॉप में यूज़ करें, आईफोन आईपैड है जो भी है, उसमें आप लोग 5K तक रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मुझे लगे GoPro की। सो गाइस, वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि अगर आप लोग एक मोटो ब्लॉगर हैं और आप अगर एक एक्शन कैमरा बाय करना चाह रहे हैं, सो इसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे मिला है 34,000 का। और इसका रीज़न ये था, मैंने दिवाली से पहले लिया था और अनबॉक्सिंग अब कर रहा हूं, तो उस टाइम मेरे को डिस्काउंट मिल गया था, उसकी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में मिल गया था। अभी बात करें इसका प्राइस तो 34, 37 या 35 समथिंग होगा। अगर आप लोग एक मोटो ब्लॉगर हैं, आप लोग एक एक्शन कैमरा बाय करना चाह रहे हैं, सो गाइज कुछ भी वेट मत करो, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे बट चीज़ आपको एक ऐसी मिलेगी जो कि लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10 के बाद GoPro 9 ही है, जिसमें एज यू नो एक ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको ऐसे करके ब्लॉगिंग। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी क्वेश्चन हो, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो उसके सारे फीचर्स की होगी, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, लाइक स्लोमो है, टाइम रैप्स है, अंडर वाटर है, ये सभी चीज़ के, और सेटिंग्स है कि बेस्ट सेटिंग्स, सिनेमेटिक शॉट्स, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी गाइस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, एंड इस लाल कलर के बटन को भी दबा देना। थैंक यू।